जनाबे अली, क्या थोड़ा इंतजार करें? जमात बहुत कम है। वो नहीं आएंगे सलाउद्दीन, वो एक एक करके काम होते जाएंगे लेकिन नहीं आएंगे। फितना उनके दिलों में घुस चुका है। तशरीफ रखिए। ऐ मेरे सच्चे दोस्तों, ऐ पुख्ता यकीन के साथ मुझसे बात करने वालों, गिर कर उठने वालों, जान लो कि सैलाब पहाड़ों और ऊंचाइयों से आशिक की तरह समंदर की तरफ बहता है। दरिया समंदर में बह जाते हैं, वह हजारों हाथों और पाँव पर मबनी होते हैं और इन्हीं हाथों और पाँव के साथ समंदर तक पहुंचते हैं, क्योंकि पानी एक दूसरे के हाथ पाँव हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। पानी के कतरे एक दूसरे को मजबूती से सहारा देते हैं और कुव्वत से पहाड़ों को बूर करते हैं, मैदानों को बूर करते हैं, अपनी मंजिल समंदर तक पहुंच जाते हैं। हर कतरा नारा लगाता है कि अपने रब की तरफ लौट जाओ, उससे राजी होकर और उसकी रजा हासिल करके यह हैरान क्यों होगा। सबसे हैरान कुन बात और असल मुश्किल और असल दुश्वारी यह है कि किसी पहाड़ी इलाके में, एक गार में, मैदान के वस्त में एक वसी और अरीज फर्श पर अकेला, सिर्फ एक कतरा, क्योंकि उस कतरे का असल दरिया है, वो उसकी चाह रखता है, आरजू रखता है। वो बेदस्त पा कतरा उस वक्त चलने की कोशिश करता है, वो दरिया की जुस्तजू में अपना हाथ बढ़ाता है। ना सैलाब उसकी मदद करता है और ना ही उसका कोई दोस्त। इसके बावजूद वो मुश्किल से लुढ़कता है और इश्तियाक के साथ दरिया की तरफ भागता है। आह वो बेबस कतरा, वो लाचार कतरा। जमीन तुम्हारी दुश्मन है, हवा तुम्हारी दुश्मन है, सूरज की तपिश तुम्हारी दुश्मन है। जिस दरिया तक तुम पहुंचना चाहते हो वो बहुत दूर है। आह बेदस्त पा कतरा, अपने दुश्मनों की मौजूदगी में तुम समंदर तक कैसे पहुंचोगे? लेकिन वो कतरा ज़बाने हाल से कहता है कि मैं एक कतरा हूं और एक बेज़बान कतरा हूं, लेकिन वसी दरिया की मदद से मुझ में एक आरज़ू मौजूद है। उस आरज़ू में एक मान भी हाल का राज है। वो आरज़ू उसको मंजिल तक पहुंचाती है।